अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कासान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्यूशन। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल के पास्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक नए पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जानवरों के मुतालिक इलम को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को बताते चलो कि जो जानवरों के मुतालिक जो इलम है इसको जुआलजी इंग्लिश में कहा जाता है और इस तरह उर्दू में इसको इलमी हैवानात कहा जाता है, जबकि जो पौधे है इसके बारे में जो सब्जेक्ट है इसको बॉटनी कहा जाता है और उर्दू में इसको इल्मी नबातात कहा जाता है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास दाल है, इल्मी हैवानात। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, पाकिस्तान का शहर अटक किस दरिया पर वाक़या है? तो पाकिस्तान का जो शहर है अटक, ये जो है ना इंडस रिवर यानी जो है ना दरिया सिंध पर वाक़या है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास जीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश का है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इधर सही सेंटेंस हमारे पास इन चार में से जो है ना अलिफ है। ठीक है, द उर्दू लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी। ठीक है, द उर्दू लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले शख्स का क्या नाम था? तो अमेरिका को जिस शख्स ने दरियाफ्त किया था इसका नाम था क्रिस्टोफर कोलम्बस। इधर से ऑप्शन हमारे पास जिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तरबेला डैम किस दरिया पर वाक़ है? तो तरबेला डैम जो है ना ये दरिया सिंध यानी जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है इस पर वाक़ है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान की मौजूदा सदर का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की मौजूदा सदर का नाम आसिफ अली जरदारी है, यानी 2024 में पाकिस्तान का जो सदर है इसका नाम है आसिफ अली जरदारी, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। ठीक है, और ये पाकिस्तान का 14वें नंबर पर सदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सन राइजेज इन द सेंटेंस द वर्ल्ड राइजेज इज ग्रामेटिकली, यानी जो सेंटेंस दी गई है इसमें जो है ना राइजेज क्या है? ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये हमारे पास राइजेज वर्ब है। ठीक है, तो इधर से ऑप्शन हमारे पास अलिफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, वाकया करबला कब हुआ था? तो वाकया करबला 61 हिजरी को हुआ था। इधर से ऑप्शन हमारे पास दाल है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, नेटो में शामिल ममालिक की तादाद कितनी है? तो आप लोगों को बताते चलो कि नेटो का एब्रिवेशन क्या है। तो नेटो का एब्रिवेशन है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसमें ममालिकों की तादाद जो है ना 32 है। इधर से ऑप्शन हमारे पास जीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी अदा की थी? ऑप्शन हमारे पास है, नमाज असर, नमाज तहज्जुद, नमाज मगरिब और नमाज जहर। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है दाल, नमाज जहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहरी मुर्दार डेड सी कहाँ वाक़ है? तो ये जो है ना इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़ है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एम्पेरियल सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोगों को बताता चलो कि ये जो है ना रोम को कहा जाता है जो इटली में वाक़ है। ठीक है, अलिफ ऑप्शन ठीक है। रेड स्क्वायर कहाँ वाक़ है? तो आप लोगों को बताते चलो कि रेड स्क्वायर जो है ना मास्को में वाक़ है और मास्को रूस का दारुल खिलाफा है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नमक किस इस्लामी मुल्क में मिलता है? तो आप लोगों को बताते चलो कि पाकिस्तान में जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना नमक मिलता है और जिसका जो सबसे बड़ा कान है इसको केहवड़ा कान कहा जाता है। ठीक है, दुनिया में सबसे छोटा बराजम कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा बराजम जो है ना बराजम एशिया है और सबसे छोटा बराजम हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास दाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आगरा कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आगरा कॉन्फ्रेंस 2001 में हुआ था। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। ठीक है, पाकिस्तान में 28 मई को किस दिन से याद किया जाता है? तो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागे के मुकाम पर 5 एटमी धमाकी की थी बलूचिस्तान में, जिसको योम तकबीर के नाम से याद किया जाता है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है, योम जिम है, योम तकबीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शाह फैसल मस्जिद आम आवाम के लिए कब खोल दी गई थी? तो ये हमारे पास 24 जून 1988 को आम आवाम के लिए शाह फैसल मस्जिद जो है ना खोल दिया गया था। इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, हज़रत अबबकर के दौर में झूठी नबूवत का दावा किसने किया था? ये मुसल्लमा कज़ाब ने जो है ना झूठी नबूवत का दावा किया था हज़रत अबबकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एलईडी किसका मुखफ़ है? तो एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास दाल है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उर्दू के पहले शायर का नाम क्या था? तो उर्दू के सबसे पहले शायर का नाम था अमीर खुसरो। ठीक है, जबकि पुश्तो के पहले शायर का नाम है अमीर करोड़ो। ठीक,
ओके। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, FIA कब वजूद में आया था? तो FIA का मतलब है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये जो है ना 1975 को मार्जी वजूद में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान की जुनूब में क्या वाक़ है? तो पाकिस्तान की जुनूब में जो है ना बहरिया अरब। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था? तो औरतों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कबूल किया था। और इस तरह बच्चों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था, और ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क़्यामत के रोज़ सबसे पहले सवाल किस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा? तो क़्यामत के रोज़ सबसे पहले जो है ना नमाज के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा। और क्वेश्चन हमारे पास है, कुरान मजीद किस माह में नाजिल हुआ? तो कुरान मजीद जो है ना ये माह रमज़ान में नाजिल हुआ था। इधर से ऑप्शन हमारे पास दाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, कुरान मजीद में कुल कितनी सिजदे है? तो कुरान मजीद में कुल जो है ना 14 सिजदे है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास बा है, ठीक है, 14। इस तरह इस पेपर के और क्वेश्चन हमारे पास है, कायदे आज़म ने अपनी मशहूर 14 नुकात कब पेश की थी? तो इधर ये बात लाजिमी है कि 1928 में नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश किया था, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और इसके जवाब में कायदे आज़म ने अपनी 14 नुकात 1929 में पेश की थी। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है अलिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की अरकान की तदाद कितनी है? तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जो करंट MNA की तदाद है वो है 336, लेकिन ये पेपर हमारे पास पास्ट पेपर है, इसके लिहाज से 342 है, क्योंकि जब KP पार्टा मर्जर हुआ है तो इसकी कुल सीट 342 से कम होकर 336 हो गई है। तो इधर से ये ऑप्शन हमारे पास है 342, लेकिन अगर आप जो है ना नेक्स्ट पेपर में आएगा तो आप 336 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 342 की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इदारा कब वजूद में आया था? तो ये अप्रैल 1948 में मारिजी वजूद में आया था। इधर से ये ऑप्शन हमारे पास अलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोज़ा कब परज हुआ? तो रोज़ा जो है ना ये 2 हिजरी को परज हुआ था। इधर सही ऑप्शन हमारे पास दाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो साल का सबसे छोटा दिन जो है ना 22 दिसंबर का होता है, और 22 दिसंबर के रात जो है ना सबसे लंबी रात होती है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K का मतलब है कराकोरम, क्योंकि ये कराकोरम रेंजेस में वाक़ है, इसलिए इसको जो है ना K2 कहा जाता है। मीटर में इसकी लंबाई हमारे पास है 8611 मीटर, जबकि फुट में जो है ना इसकी जो लंबाई है ऊंचाई है वो है 28,250 फुट। तो इधर से ये ऑप्शन हमारे पास अलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबा बलिहाज रकबा कौन सा है? तो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा बलिहाज रकबा बलूचिस्तान है, जबकि सबसे छोटा सूबा बलिहाज रकबा जो है ना खैबर पख्तूनख्वा है। इधर से ये ऑप्शन हमारे पास बा है, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई वेंट देयर डैश बस, ठीक है। तो इधर सही प्रीपोजिशन का इंतखाब करना है, आई वेंट देयर बाय बस, तो इधर सही प्रीपोजिशन हमारे पास बाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान की किस शहर को पाकिस्तान का गेटवे कहा जाता है? तो कराची को पाकिस्तान का गेटवे कहा जाता है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास जिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान चीनी है, चाइनीज़ ज़बान है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास अलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू जो है ना ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, बा ऑप्शन ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अलामा इकबाल ने उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी की है? तो अलामा इकबाल ने उर्दू के अलावा पारसी जबान में शायरी की है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास जिम है। इस पेपर का और क्वेश्चन हमारे पास है, द डॉग इज फेथफुल डैश हैज मास्टर। तो इधर सही प्रीपोजिशन हमारे पास है, द डॉग इज फेथफुल टू हैज मास्टर। इधर सही ऑप्शन हमारे पास है दाल 2, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुरान मजीद में किस सहाबी का जिक्र मौजूद है? कुरान मजीद में वाहिद सहाबी का जिक्र जो मौजूद है वो हज़रत जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास जीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस्लाम में सबसे पहला हज कब हुआ था? तो इस्लाम में सबसे पहला जो हज परस हुआ था वो भी 9 हिजरी में हुआ था, और पहला हज भी जो है ना 9 हिजरी में हुआ था, और इसका अमीर जो है ना अमीरी हज हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। इधर सही ऑप्शन हमारे पास अलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बांग्लादेश की दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो बांग्लादेश के दारुल हुकूमत का नाम है ढाका, और इसकी करेंसी का नाम है टका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
और दरियाई कांगो कहाँ वाक़ है, तो दरियाई कांगो अफ्रीका में वाक़ है। इधर से ये ऑप्शन हमारे पास अलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मशहूर एयरलाइन एयरपोर्ट का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो इसका ताल्लुक जो है ना रूस से है। दाल ऑप्शन ठीक है। इस पेपर का और क्वेश्चन हमारे पास है, दुनिया के सख्त तरीन शय कौन सी है, तो दुनिया के सख्त तरीन शय हमारे पास डायमंड है यानी हीरा। बा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश का है, प्लीज़ डू ट्राई अगेन विच अ काइंड ऑफ सेंटेंस, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है। इसमें जो है ना प्लीज़ आया है, आप लोगों को पता है प्लीज़ जो है ना रिक्वेस्ट के लिए आता है, तो ये हमारे पास सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट है। दाल ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलजबरा किसने ईजाद किया था, तो अलजबरा को मूसा अलख्वाज़मी ने जो है ना ईजाद किया था, तो इधर से ऑप्शन हमारे पास बा है।